सो हाय गाइज, वेलकम बैक टू पम्मी की दुनिया ब्लॉग में। तो आज है नवरात्रि का नौवां दिन, आज नवमी है और कल था मेरा फास्ट और अच्छे से गया फास्ट। हाँ, ये काफ़ी एक्साइटेड है कि इसको छोला भटूरा मिलने वाला है, क्योंकि हमारे घर में 9 दिन तक कुछ भी तलते नहीं है, और मतलब तलते वलते नहीं है, खीर पूड़ी या फिर हलवा नहीं बनाते जब तक कंचका नहीं खिलाते हैं। तो आज मम्मी ने कंचका खिला दिया होगा घर पे, सुबह सुबह 8-9 बजे के करीब मम्मी कंचका खिला देती है। मतलब कोशिश तो होती है कि हमेशा कि जल्दी खिलाए, लेकिन उस दिन क्या होता है कि उस दिन बच्चियाँ मिलती नहीं है, मतलब सभी लोग ले लेकर यहाँ वहाँ चले जाते हैं बच्चियों को, तो वेट करना पड़ता था। जब मैं घर पे थी तो मैं क्या करती थी कि मैं बाहर जाके गेट पे खड़ी हो जाती थी, और जैसे मतलब बच्चियों को लेकर आऊँगी तो क्या होगा कि बगल की आंटी होगी तो बोलेगी मुझे 3 दे दो, मुझे 4 दे दो, ऐसा करके। मैं बोलूँगी आंटी ऐसा करो कि आप पूरे 9 ही लेके जाओ बच्चियों को, माता को लेके जाओ, और जब आपका हो जाएगा तो आप हमारे पास मतलब हमारे घर में भी कर देना उनको कंचका खाने के लिए। तो डेली में बहुत ज़्यादा मारा मारी हो जाती है। आज के दिन पूरे दिन माता रानी लोग घूमती रहते हैं, बच्चियाँ घूमती रहती हैं, मिलती नहीं है। तो मम्मी हमेशा कोशिश करती है कि सुबह सुबह करा देंगे, लेकिन हो जाता है हमेशा लेट। तो आज मेरा सुबह मन था कि आज मैं पूरी तलूँ, लेकिन फिर मेरे ध्यान में आया कि जब तक माता को खिलाते नहीं है, प्रसाद नहीं चढ़ाते हैं, तब तक नहीं खाते। और आपके भाई साहब सुबह सुबह जाते ऑफिस, तो अगर वो खा के चले गए तो ठीक नहीं है ना। तो मैं बोली कि मैं अपने मन में सोची कि चलो यार इतने दिन हो गए तो एक दिन और सही, तो कल बनाऊंगी मैं, आज नहीं, वैसे भी आज नहीं बनाने वाली मैं। हाँ, और ये सब अपना जो भी देख रहे हैं। और आज मैं लेके जाऊंगी बच्चों को मेला घुमाने के लिए। कल जाने वाली थी, एक तो मेरा व्रत भी था और सर में पता नहीं बहुत तेज पेन था, और आज भी हो रहा है, और बारिश भी हो गई थी, तो बारिश में जाने का वैसे भी कहीं मन नहीं करता है। तो आज जाएंगे शाम को, आज धूप हो रखी है बकायदा, अच्छी खासी धूप हो रखी है, धूप हो रहा है बादल हो रहा है, लेकिन आज लग नहीं रहा कि बारिश होगा। फिलहाल यहाँ का जो मेला है ना, भगवान ने पता नहीं हम हर साल बारिश की हो जाता है। और आज देखो मैंने नेल कलर भी लगा दिया, ये वाला कलर मेरे को बहुत प्यारा लग रहा है ना। फिलहाल अभी मैं जा रही हूँ किचन में लंच बनाने के लिए। दाल में मैंने तड़का, मतलब दाल बॉईल कर दिया, तड़का लगाना है क्योंकि अभी तक तो सिंपल ही खाना बन रहा था, कल से बनेगा जो भी बनना होगा। और यहाँ दोनों बच्चे बैठ गए अपना गेम खेलने के लिए, अभी इन लोगों की पढ़ाई हो रखी है, पूरी हो गई पढ़ाई, अभी मैंने करा दिया है। ध्रुव को मैं पहले से संस्कृत पढ़ा रही हूँ, इसलिए ताकि इसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर ना पड़े, इसको वैसे भी समझ में आता नहीं है, आराम से समझाना पड़ता है। तो मैं सोची कि चलो मतलब हाफ ईयरली तो खत्म हो गया, फाइनल एग्जाम्स पहले इसको थोड़ा बहुत करा दूँ मैं, वो सही रहेगा इसके लिए। और ये वाला नेल रिमूवर मैं यूज़ की, काफ़ी अच्छा है, सस्ता है ये, 20 रुपीज़ का था, मैं दिल्ली से लेकर आई थी। देखो सीख के ब्रांड है, कोई लोकल ब्रांड है, पर जो भी है यार काम अच्छा कर रहा है। यहाँ पे मैं रिमूव करके रखी थी, देखो पूरा इसने कलर, मतलब बहुत जल्दी क्लीन करता है ये, मुझे तो काफ़ी पसंद आया। ज़रूरी नहीं है महंगी चीज़ें काम आती है, सस्ती सस्ती चीज़ें भी काम आ जाती है कभी कभी। तो अभी आगे किचन में करते हैं लाइट को ऑन। दाल तो मैं पहले ही बॉईल करके रख दी थी, देखते हैं बनाए कि नहीं। कोई माँ, दाल तो अभी पानी पानी है, चने की दाल है, गला नहीं है, मुझे इसे वापस बिठाना पड़ेगा, और लेट भी हो रहा है यार, आपके भाई साहब ना आ जाए, फटाफट इसको बिठा देती हूँ मैं। सो गाइस, दाल में तड़का लग गया, ये रहा दाल, ये देखो ऊपर का ये निकल गया, यही तो गलत होता है, पता नहीं निकल क्यों जाता है, ओ कैसे निकालूँ। ये रही दाल, चने की दाल सिंपल सी। और यहाँ बन रहा है टमाटर, यानी टमाटर पका रही हूँ मैं चोखा के लिए, आज शाम को मैं बनाने वाली हूँ लिट्टी, और यहाँ पे बन रहा है चावल। सो गाइस, यहाँ पर ध्रुव और आयुषी दोनों कर रहे ड्राइंग, और आप लोग बताना दोनों में से किसकी ड्राइंग सबसे अच्छी है। तुम्हारी ड्राइंग तो दिखी नहीं रहा, अभी तो तुम बना रहे हो। आई से देखो कितना प्यारा लग रहा है। सो गाइस, लंच तो हमारा हो चुका है, और ये रहा दही, एक कटोरी दही मैं खाने वाली हूँ, और डेली में जब भी लंच करती हूँ तो एक कटोरी दही जरूर खाती हूँ, उसमें से आपके भाई साहब भी लेते हैं। तो फिलहाल मैं पहले किचन क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि जब भी खाना निकालो ये कुछ ना कुछ गिर जाता है। तो साफ सुथरा किचन हो ना तो काम करने में मजा आता है ना।
ये पापड़ में दी थी आयुषी को खाने के लिए, इतना लेट की खाने में कि ये वापस सिकुड़ सा गया, जीप सा हो गया, नहीं खाना इसे। हाँ तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर मूर्ति देखने के लिए। जैसा कि मैं बताई थी कि मेरे बाजू में मतलब पास में कुछ मतलब तीन चार रखे हुए, तो मैं बच्चों को दिखा कर लाती हूँ। यहाँ पे आयुषी रेडी है और थोड़ा थोड़ा चांस है जाने का, क्योंकि अभी क्या है कि बारिश थी, बारिश जैसा मौसम हो रखा है। कल चलते इधर कीचड़ में कौन जाएगा, कीचड़ नहीं हो रहा है, देखो कुछ नहीं करने, जाकर दर्शन करके आ जाने, काली सूत्र दर्शन करके आ जाने, कौन सा जो इतना बड़े वाले इतना आगे नहीं जा रहे। आपके लिए भीड़ हो गई, कोई भीड़ नहीं होगी, देखो मेन जो जगह है वहाँ पे भीड़ होती है, यहाँ आस पास उतनी भीड़ नहीं होती, लोग सामान खरीदने जाते हैं, दर्शन करके आ जाते हैं। इधर एक गाँव टाइप है, यानी जी से उधर सबसे बड़ा मूर्ति है। और आज मैंने चश्मा पहन रखा है, मेरे आंखों में जलन हो रही थी, मैंने चश्मा डाल लिया, माँ बेटी दोनों चश्मे। तो फिलहाल निकलते हैं, और अभी क्या है कि लाइट भी चली गई है, तो बाहर अंधेरा ही होगा, थोड़े रास्ते में अंधेरा होगा, बाकी जगह तो रोशनी रोशनी होगी। तो फिलहाल मैं लाइट बंद कर देती हूँ, क्योंकि इन्वर्टर चल रहा है और पता चला कि लाइट 4-5 घंटे के लिए गुल और बैटरी भी डाउन। मैं नहीं चाहती मैं आऊँ तो अंधेरा अंधेरा हो जाए, तो चलते हैं निकलते हैं, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, 6 बज गया, हमें जाना था 5 बजे, बज गए 6, कुछ नहीं। तो हम लोग यहाँ पर आ गए हैं पंडाल में पूजा देखने के लिए, और छोटा छोटा मोटा सा मेला लगा था, कुछ उतना नहीं था पिछली बार की तरह, पिछली बार थोड़ा सा अच्छा लगा था, लेकिन इस बार बारिश की वजह से ना मेले की रंग फीकी होगी। फिर भी श्रद्धालु जो है, जिनकी इच्छा थी माता का दर्शन करने के लिए, तो माता रानी ने बुलावा दिया तो सब पहुँच गए दर्शन करने के लिए। और ये पल ना बहुत मतलब क्या बताऊँ, इतना अच्छा लगता है ना माता रानी के दर्शन करने में, कि मतलब एकदम मन एकदम खुश सा हो जाता है, ऐसा लगता है कि हाँ अलग सी दुनिया में आ गई, इतने सारे लोग माता रानी के दर्शन करने के लिए आ गए हैं यहाँ पर, देख के बहुत अच्छा लगा। और बच्चे तो काफ़ी एक्साइटेड थे कि मम्मी चलो, मेरे ख्याल से यहाँ पे डांडिया हो रहा था, देखो यहाँ सब बैंड वैंड सब रखा हुआ है, लेकिन हम लोग ऐसे टाइम पे पहुँचे कि वो सब ख़त्म हो चुका था उस टाइम। लेकिन एक चीज़ मैं नोटिस की, आजकल लोग ज़्यादा मतलब दर्शन करने कम सेल्फी लेने ज़्यादा जाते हैं, मतलब इतने आगे आगे से सेल्फी ले, तो बड़ा अजीब सा लग रहा था, करो लेकिन ऐसा भी नहीं करना चाहिए। आप दरबार में आए हो, दर्शन कर लो, उसके बाद आपको जो करना है करो, लेकिन अगर आप लोगों को बुरा लगा तो आई एम सॉरी, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, फिर भी थोड़ा सा मुझे अजीब सा लगा। फिलहाल हम लोग अंदर आ चुके और मुझे तो डर लग रहा था कि बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी होगी, लेकिन भीड़ कम थी, कम ही लोग थे। और आजकल पता है क्या, आजकल इतने सारे न्यूज़ में एक्सीडेंट सब आ रहे हैं ना भीड़ वाली जगहों में, कि सुन सुन के मेरे अंदर डर सा हो गया। तो मैं अभी क्या है कि बहुत कम जाती हूँ भीड़ वाली जगह पे, भीड़ वाली जगह पे जाने से मैं बचती हूँ, खास करके जब मेरे साथ मेरे बच्चे हैं तब, क्योंकि मुझे ना बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। और जब हम लोग माता रानी के दर्शन करने के लिए आते हैं, तो जब उनकी तरफ देखते हैं तो ऐसा लगता है कि माता रानी हमसे बात कर रही है, हमारे साथ हंस रही है, मुस्कुरा रही है, मतलब मूर्ति को देखते ही ऐसा लगता है कि अब वो बोल उठेंगी। और हाँ ये भी लग रहा था कि यार आज तो लास्ट दिन है, आज के बाद मतलब एक साल के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। और जब हम लोग बाहर आए तो मुझे लगा कि एक और पंडाल है, लेकिन तब सभी लोग बोले थे नहीं, यहाँ पे जो लोग हैं ना लड़के लड़कियाँ बने हुए, माता रानी बने हुए, बाकी सब देवता लोग बने हुए, गणेश भगवान। जब मैं ध्यान से देखी तो मुझे भी लगा यार ये तो सच में रियल है, क्या बताऊँ, मैं बिल्कुल हिल नहीं रही थी, बिल्कुल डुल नहीं रही थी, बिल्कुल ऐसा लगा जैसे कि मूर्तियाँ खड़ी हो रखी है, इतना अच्छा लगा देख कर कि पूछो ही मत। तो फिलहाल हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं, बच्चों को घुमा फिरा दी, क्योंकि बादल गड़क रहा था तो ऐसा लगा जैसे कि कब बादल बरस पड़ेंगे, इसलिए मैं चाहती थी कि भीगने से अच्छा कि घर पहुँचाऊँ। मैं फल फ्रूट खाऊँगी, हेल्दी इक्का दुक्का तिक्का छेका, ये 6 मोमोज है 100 रुपये का, कितने मजे से खा रही है। एक ही बाइट तो लिया, एक बाइट ही तो लिया।
खोलो। क्यों क्यों? 50 का, 3 50 का। और हमारे यहाँ 3 कितने का मिलता है ग्रिल में? 3 नहीं, 10 का 5। 10 का 5, भगवान। जब मैं रास्ते में आ रही थी तो एक मंदिर था, तो वहाँ पर मैं जाने के लिए प्रसाद ले रही हूँ, और देखो कितनी छोटी छोटी चुंदरियाँ, मतलब इतनी महंगी महंगी यार, यहाँ सच में पूछो मत, बहुत ज़्यादा महंगाई है। मतलब एक हाथ की भी चुंदरी नहीं थी, वो चुंदरी भैया जी मुझे 150 का दे रहे थे। मैं कैसे भी मोल भाव करके उसको 100 रुपये में ली, फिर नारियल मैंने लिया माता रानी को चढ़ाने के लिए, फिर उनके श्रृंगार का सामान जैसे बिंदी हुआ, चूड़ी हुआ, ये सब ले ली। उसके बाद मैं जाऊँगी मंदिर पर, और हाँ ये मैं हमेशा ही अष्टमी और नवमी के दिन माता रानी को हर साल चुंदरी, नारियल और श्रृंगार का सामान चढ़ाती हूँ। और इस बार में पता है मैं भूल गई थी, अचानक से जब मैं दुकान देखी बाहर साइड तो मुझे याद आ गई, करी मैं तो कुछ मिस कर रही हूँ, मुझे ये चीज़ करना था और मैं कैसे भूल गई। तो फटाफट मैंने लिया और फिर मैं पहुँच गई मंदिर में, और देखो कितने अच्छी अच्छी चूड़ियों के कलेक्शन थे बहुत। और ये भैया जी ना बिहार साइड से थे, तो उनसे मैं बात करने लगी, उनके लैंग्वेज सुनकर ना मैं समझ गई कि कहाँ के हैं वो। तो मैं पूछे भैया जी आप कहाँ से, बताने लगे कि दीदी हम तो बिहार से हैं। तो चलो अच्छा है यार, मतलब मैं तो यूपी से हूँ, लेकिन हाँ यूपी बिहार में ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। तो अपने साइड के जो लोग जब आपके दूसरे अदर एरिया में मिलते हैं ना, तो देख कर ना बहुत अच्छा लगता है। और मम्मी बना रही है डिनर, ध्रुव देख रहा है। बनाना है ध्रुव, उसको तो आता ही नहीं बनाने। और जैसे कि बताई थी, खाया ना, जितना मन करे उतना खा लेना। और आज पता है ये मैं एक्स्ट्रा क्यों बना रही हूँ, मेरे एक फ्रेंड ऊपर जो आसाम की है, तो उसको बहुत ज्यादा पसंद है, और मैं आज बनाने बैठ गई तो वो भी मेला निकल गई, अब वो उधर से खा कर आएगी, तो अब उसको नहीं दे पाऊंगी आंटी को, इसीलिए मैंने इतना सारा बना दिया सत्तू के उसके लिए। तो अब क्या, अब क्या, अब हम खाएंगे इतना सारा, सुबह तक खाएंगे, कल रात तक खाएंगे, नहीं रात तक नहीं सुबह तक, कल दोपहर तक खाएंगे, परसों तक बच गया तो फेंकते थोड़ी है, खा लेते हैं। वैसे भी ये जितना ताजा ताजा अच्छा लगता है, उससे कहीं ज्यादा बासी अच्छा दीदी को खाते हैं। तो आज फिलहाल तो अभी 3 ही बना है, और बाकी सभी अपने पैन पर है, बाकी इस थाली में है। तो अपने पैन में क्या होता है ना, बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। हाँ तो जैसे कि मैं बोल रही थी कि अपने पैन में ये जो लिट्टी है, इसको बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। और हमारे पास अगर आग होता है, आग तो क्या बोलेंगे, आग तो हो गई, मतलब बनाने की स्पेस होती है, जैसे गाँव में बनते हैं ना वो कोयले के ऊपर, कंडे के ऊपर बनते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, एक साथ सारा डाल दो तो एक साथ सब बन जाता है, तो उतना टाइम नहीं लगता है। मुश्किल से मतलब आधा घंटा लगता होगा, आधा घंटा लगता है, उससे ज़्यादा नहीं लगता। इसमें तो बहुत टाइम लगता है, थोड़ा थोड़ा आपको 12-12 पीस करके बनाना पड़ता है, जितने आपके अपे पैन के खंधे होते हैं ना, उतने इसमें डालना पड़ता है। तो मेरे में तो 12 है, तो 12-12 करके मैं बना देती हूँ, और इतना नहीं बनाती हूँ। लेकिन आज मेरी फ्रेंड, जिसे मैं बताई, मेरी फ्रेंड को बहुत ज़्यादा पसंद है आसाम की, तो आसाम में ये सब चीज़ नहीं बनती, ये ज़्यादा यूपी बिहार में बनता है, तो उसको पसंद है, उसके हस्बैंड को पसंद है, तो आज मैं बना रही थी उसी के लिए, लेकिन वो है कि बाहर निकल गई डिनर करने के लिए। खैर गलती मेरी है, मैंने उसको बताया नहीं, उसकी गलती नहीं है, तो फिलहाल किसी और दिन मैं उसको दूंगी। तो अभी तो अभी 3 ही निकला है, और अभी तो टाइम लगने वाला है, मेरे ख्याल से 1 घंटा अभी और लग जाएगा। हाँ लेकिन खाने में बहुत मज़ा आता है यार, मतलब यम्मी लगते, टेस्टी लगते हैं, आप लोग बना के देखना। तो गाइस ये रहा आज का हमारा डिनर, यहाँ है चोखा, ये रहा लिट्टी, और ये है प्रसाद का हलवा, और यहाँ इसी बैठ कर रही है डिनर, और इसने लिया है खीर। मेरे को अब तक समझ नहीं आता इसको खाते कैसे है, इतने दिनों से खा रहे हो अब तक पता नहीं है, ये भगवान चोखे में डिप करो और खाओ, है ना ध्रुव? मतलब कैसे भी लो, अंदर जो होता है ना सत्तू, हाँ कैसे भी लो गिर ही आता है, कोई बात नहीं, खाओ खाओ खाओ। तो पहले मैं कर लेती हूँ डिनर, फिर आपसे मिलती हूँ मैं।